उसके पास रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं इसलिए तो अंदर शादियाँ भी हुई हैं बदन बाहर जाके टूट भी जाती है so, सो बेटा तमीज़ में रहना क्योंकि वहाँ पे सब बड़े बड़े हैं अभी काफ़ी अच्छा कर रही है और समझ गई है गेम को और जैसे वीकेंड के बारे में जो जो उसको मिला था सब लोगों ने समझाया था तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल सही चल रही है अभी नहीं काफ़ी आ गया है बिकॉज वो तो होता ही है हर कोई यही एक दूसरे को वो नीचा आई मीन यू नो लाइक डीमोटिवेट करने के लिए हर कोई रेडी रहता है एंड आशिका नहीं समझ पा रही थी उनका गेम प्लान एंड क्या मकसद है सामने वाले का क्या क्यों किस वे में बोल रहे हैं एंड क्यों बोल रहे हैं एंड बिकॉज दैट वॉज अ फर्स्ट सेकेंड डे तो इसलिए वो नहीं समझ पा रही थी तो अभी उसको आ गई है समझ मैंने हाँ मैंने लास्ट सीज़न मैंने फॉलो की थी मैंने एंड uh, इस बार तो नहीं इस बार आशिका के जाने के बाद ही मैंने शुरू किया सो so, देखती हूँ लाइफ पूरी या एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था एंड uh, उसको बस मैंने इतने कहा था बेटा तमीज़ में रहना क्योंकि वहाँ पे सब बड़े बड़े हैं एंड ठीक uh, है अपना जब अगर ऐसा लगे कि तुम हाँ कोई तुमको एडवांटेज ले रहा हो या तुम्हें कोई अगर कुछ ऐसा करते हैं तो फिर तुम अपना स्टैंड लो फाइट फॉर योर सेल्फ बस इतना ही इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 वो उसने बोला कि हाँ वो तो मैं करूंगी क्योंकि वो उसका नेचर है अनिजेंडिल कोई उसको पोक नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं बोलती है और उसकी आदत है भी नहीं उसका नेचर ऐसा है ही नहीं है कि सामने से जाके वो पोक करे या किसी को उकसाए शी इज़ नॉट दैट टाइप वो तो मेरे दिल में क्या पूरा पूरे पब्लिक लाइक एक एक जन का मेरे पास लाइक फ़ोन आया था एंड मैसेजेस आए थे कि भाई हमको इतना हमारे आँखों में से भी आंसू निकल आए यू नो दैट वॉज अ मोमेंट तो मुझे अच्छा लाइक खुशी भी हो रही थी दुख भी हो रहा था कि भाई अब बच्चा रोता है तो फिर वो तो रोना आता ही है शॉक लाइक सेकेंड डे में तुमको शॉक दे रहे तो इट वॉज अ वेरी शॉक टू अर्स ऑल्सो लाइक यू नो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था की कि ये सब टास्क होगा एनऑल Like हाँ ऐसा तो लगता ही है ना कि मैं क्योंकि हमारा कोई बात भी हम नहीं कर सकते कुछ पूछ भी नहीं सकते भी। ना अंदर बात बात जाती है ना बाहर आती है सो इट आई वॉज़ वेरी हेल्पलेस लाइक नहीं मैं वो ही बता रही हूँ ना कि मैंने उसको मौका ही नहीं मिला ये सब चीज़ें पूरा अच्छी तरह उसको समझाने के लिए कि भाई क्या है ये एंड uh, है इमोशनल बहुत वो एंड जहाँ फ्रेंड्स मैटर करते तो उसमें बहुत इमोशनल रहती है वो दैट इज़ अ नेचर राइट हाँ लाइक जैसे कि वो लोग बोल रहे थे कि छोटे कपड़े मत पहनो ये सूट पहनो ये बिंदी लगाओ एंड ऑल दिस एंड दैट पर उसको तो ऐसे नहीं वो तो वो तो तब थोड़ा ऐसे उसके बातों में मनीजा के बातों में आके वो चली गई ड्रेस चेंज करने के लिए उसको खुद को नहीं लगा कि नहीं मेरे को मैं यही पहनूँगी वो है ऐसे कि नहीं मुझे ये पसंद है मैं यही पहनूंगी बट कभी कभी ऐसा होता है लाइक like, वो है हर किसी का राय ले लेती है बहुत जल्दी वो उसमें चली जाती है वो वो तो मुझे फ़नी लगा था बिकॉज वो इट इट वॉजन लाइक दैट दे वर जस्ट ट्राइंग टू प्रैंक प्रैंक कर रहे थे वो लोग मस्ती मजाक में कर रहे थे ऐसे दे वॉन्ट टू टेक इन अ फ़न वे बट कुछ और ही निकला लाइक इट वॉजन लाइक दैट और मैं तो उसको पहले से बोल के आई कि भैया अंदर ऐसा कुछ करना मत <laughs> ऐसा कुछ नहीं होता है दैट इज नॉट रियल ऐसा कुछ करना नहीं उसको समझाया था मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल कहीं ऐसे मैंने देखे हैं लाल कितने सीजन में कि भाई अंदर शादियां भी हुई हैं बदन बाहर जाके टूट भी जाती है सो जस्ट यू नो लाइक वो पॉइंटलेस <laughs> <pointless. laughs> उसके पास रिलेशनशिप ऐसे हैं इसलिए थोड़ी ऐसे हो गई अभी इसने रिलेशनशिप क्या उसके अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ी उसने अपनी डिस्टेंस कर लिया उसने नहीं वो जो बोल रही कि बस हो गया अभी मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं अभी उसका ऐसे ही है कि बस अभी मैं मैं हूँ और मैं बस दैट से और कोई नहीं चाहिए डन लाइक अरे बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना घर में इंडिविजुअल तो सवाल ही नहीं होता एक मोमेंट पे आके आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अकेली पड़ गई हूँ तो उसको भी फिर उठ के जाना ही पड़ता है सबके पास तो इंडिविजुअल वाला नहीं है पर हाँ ठीक है उसको अभी थोड़ा अपने ग्रुप में से थोड़ा हट के थोड़ा अपने लिए करना चाहिए या कर, आप पहले तो हमने ये सोचा कि नहीं वाइल्ड कार्ड में नहीं जाना है फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं जाओ कोई बात नहीं भले वहाँ हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता जितना मर्जी आई मीन जब तक रहते है रह लो कोई बात नहीं जाओ एक बार मौका मिला तो ना नहीं बोलो क्योंकि हर बार वो मना करते आई है तो इस बार उसने बोला कि नहीं चली जाती हूँ मैं तो बिल्कुल 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 यही वही मैंने देखा है कि लाइक जैसे कि वो गई है अंदर तो प्रेशर तो रहता ही है एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है कि भाई ये अब क्या करेगी वाइल्ड कार्ड उनको भी रहता है सामने वाले को भी डर रहता है कि अब ये क्या कुछ नया करने वाला है तो ऐसा ऐसा रहा है हाँ या यही है कि मुझे तो ऐसा लगा था उनके वहाँ जा के लड़ाई होएगी पूरा वो लोग यू नो दिल गोइंग टू बी अ ब्लास्ट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ लाइक like, अभी उनके अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप हो गई है अच्छे टर्म्स हो गए हैं शुरू शुरू वो थोड़ा करने की कोशिश किया था चलो आशिका को आ, वो करते हैं थोड़ा उसका वो करते हैं लेकिन वो हुआ नहीं लाइक like, क्योंकि आशिका खुद ही वो ठंडी पड़ गई थी लाइक यू नो उसने बोला कि नहीं पिछले बातें करना ही नहीं है भूल जाओ शी इज दैट शी इज़ अ फो